तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में कुछ ज़रूरी चीज़ है, तो उसको ज़रूर से सुन लेना भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी। बस यही बोलना था। हेलो गाइस, ये क्या है भाई, ये सब वीडियो बनाते वक्त ही होना था। रेस्ट इन पीस छिपकली। ये वही छिपकली तो नहीं जो पिछले वीडियो में आ रही थी? क्या पता भाई वही हो। हेलो चमकादड़ों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन व्लॉग में। तो भाई जो मेरा मॉनिटर है वो छः दिन पहले ख़राब हो गया था। हाँ, 6 दिन पहले भाई, थोड़ा लेट हूँ मैं लेकिन मेरी है ना, तुम लोग को वीडियो काम चलाओ ना। और क्या क्या कहा तुम्हें, मेरा मॉनिटर देखना है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मॉनिटर, यहाँ टूटा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा। मेरा जो सीपीयू है वो काम कर रहा है पर मॉनिटर ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। A few moments later. वाह, ये तो रंग भी बदलता है, कभी नीला कभी काला कभी सफ़ेद, क्या बात है। मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया, सब चीज़ एक साथ ही ख़राब हो जाओ। चल जा भाई। लगता है मम्मी वाला तरीका आजमाना पड़ेगा और ना ख़राब हो जाए। मैं इस मॉनिटर को बनवा तो सकता हूँ लेकिन भाई अगर मैं इसको बनवाता हूँ तो 2-3 हज़ार का खर्चा आ ही जाएगा, उससे अच्छा कुछ नया मॉनिटर ही ले लेता हूँ। तो इस कारण मैंने नया मॉनिटर ऑर्डर कर दिया है जो कि है 9000 का LG का 22 इंच वाला। वो मॉनिटर भाई मेरा सपना था बहुत समय से लेने का, क्योंकि उतना महंगा मॉनिटर तो मैंने अपने पड़ोसी के घर में भी नहीं देखा है और कल या परसों में वो आ जाएगा मेरे घर में, तो भाई काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि वो मॉनिटर जब आ जाएगा उसके बाद इसको 2-3 महीने बाद बनवा लूँगा, तो मेरे पास 2-2 स्क्रीन रहेगी, और जब मेरे पास 2-2 स्क्रीन रहेगी तो जो मेरा काम रहेगा एडिटिंग वगैरह का जो भी, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इसी कारण मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी बनवा लेता हूँ बट 2-3 महीने बाद। तो वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि नया मॉनिटर लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, करीब 2010 से है ये, तो इसको लेना ही था नया, और ये अब ख़राब हो गया तो भाई जल्दी जल्दी मॉनिटर लेना पड़ेगा। लेकिन जो नया मॉनिटर है वो थोड़ा महंगा है तो इस कारण मेरे को उसको किस्तों में लेना पड़ा, 3000 की 3 किस्त बनी है तो मेरे को ही देना पड़ेगा। यूट्यूब भैया पैसा बढ़ा दो थोड़ा प्लीज़। तुम लोग को बाहर का नज़ारा देखना है, ये देखो बाहर का नज़ारा। अबे रॉन्ग एंगल। ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हैं काफ़ी मस्त रोड बन रही है। A few moments later. यार दूध वाले भैया कचरे वाले भैया सबको एक ही साथ आना होता है। छिपकली भी मर गई, चिड़िया भी आ गई, सब एक ही साथ आ जाओ वीडियो बनाते समय। मैं काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ भाई, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तब वीडियो बनाया करूँगा मैं, बाय। तो भाई फिलहाल जो रिकॉर्डिंग है वो मैं बंद कर रहा हूँ, जब नया मॉनिटर आ जाएगा तब मिलते हैं, तो तब तक लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग 2.0। तो भाई जो मेरा मॉनिटर है वो जैसा कि मैंने बोला था कि 2-3 दिन बाद आने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ, जो मॉनिटर है वो उसी दिन आ गया था दोपहर को। मेरे को लगा था कि अमेजॉन मेरे जैसा होगा, जैसे कि मैं अपना वीडियो जिस दिन बताता हूँ आने वाली उसके 1-2 दिन बाद तक नहीं आती है, वैसे अमेजॉन भी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेजॉन ने भाई 1 दिन पहले पहुँचा दिया प्रोडक्ट, तो अमेजॉन वालों थैंक यू फॉर द ग्रेट सर्विस, 5 स्टार दे के आता हूँ अभी, तुरंत गया और आया। तो ये है वो मॉनिटर भाई जो कि लिया है मैंने, अब इसके बारे में जो भी प्राइस वगैरह है और भी जो भी नाम वगैरह है वो अभी आगे मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो इस कारण अब इसको बंद करता हूँ मैं और सिनेमैटिक लुक में थोड़ा बहुत दिखाता हूँ तुम लोग को डिटेल के साथ। तो ये जो मॉनिटर है उसका नाम है LG 22MP 68VQ।
जो कि 9.2K का तुम लोग को मिल जाएगा Amazon पे। ये जो मॉनिटर है उसका एक छोटा वर्जन भी है, मतलब छोटा नहीं, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि है 21.5 इंच वाला। लेकिन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो तुम इसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा 400 रुपये कम में कोई मॉनिटर चाहिए तो तुम उसको भी ले सकते हो, दोनों लगभग सेम ही है। इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका जो प्राइस है वो 2019 में 7K तक भी आ गया था, तो अगर तुम्हें कम में भी मिल जाता तो इसको ले लेना, बहुत बेहतरीन मॉनिटर है। अब भाई सवाल आता है कि आखिर मैंने इस मॉनिटर को क्यों लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये जो मॉनिटर है वो मेरा एक सपना था, करीब इसको मैंने 2-3 साल पहले देखा था कोई वीडियो में, फिर इसको लेने का बहुत ज़्यादा मन था मेरा, करके मैंने फिर इसी मॉनिटर को लिया। और भी बहुत सारे मॉनिटर है पर ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को, करके मैंने इसको लिया और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है भाई। सेकंड जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है मेरा वो ये है कि ये जो मॉनिटर है वो वीडियो एडिटर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो भाई काफ़ी बेहतरीन हैं। इसमें जो ब्लैक्स रहते हैं वो बिल्कुल प्योर लगते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं रहता कि जो ब्लैक्स हैं वो तुमको ग्रे जैसे दिखेंगे, जो प्योर ब्लैक है वही दिखेगा। और इसके अलावा जो बाकी कलर्स हैं वो भी बिल्कुल प्योर है भाई, 98% तक शायद जो कलर्स हैं वो प्योर हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर कलर वलर सेट करना रहता है वीडियोस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा कर देता है भाई मॉनिटर। देन एक वजह ये भी है कि ये जो मॉनिटर है उसमें AMD फ्यूजिंग है। अगर आपका मॉनिटर AMD वाले प्रोसेसर के ऊपर बना हुआ है तो उसके लिए ये मॉनिटर 15% एक्स्ट्रा FPS देगा, क्योंकि भाई जो मेरा खुद का PC है उसमें AMD का लगा हुआ है Ryzen 3 2200G, तो उसके लिए एक बेनिफिट है, तो इस कारण मैंने इसको लिया है। ओके भाई, तो टेक्निकल गुरुजी बन के मैंने इतना सब इसकी खासियत बताई, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि जब ये मॉनिटर आया तब कैसा था। तो पहली बात तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैंने वीडियोस में देखा था, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई ये मॉनिटर। तो भाई अब मैं तुम लोग को कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ, पूरा वीडियो से अलग टॉपिक है। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मॉनिटर है वो 9K का है और इसकी जो किस्त है वो 3000 महीना बनी है 3 महीने के लिए, तो मेरे को हर महीने 3000 कहीं से लाना पड़ेगा। तो इस कारण भाई मैंने सोचा है कि मैं पार्ट टाइम वीडियो एडिटर का जॉब करूँगा। तो अगर तुम में से किसी को भी वीडियो एडिटर की ज़रूरत है तो तुम मेरे को डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ हम लोग बात कर लेंगे। अगर तुम्हें वीडियो एडिटर चाहिए तो बात कर सकते हो। प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो रखा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई देगा वीडियो एडिटिंग का, पर अगर कोई दे देता है तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं। और साथ ही साथ सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं, अगर किसी को थंबनेल वगैरह भी चाहिए YouTube वीडियोस के लिए तो वो मेरे को डिस्कॉर्ड पे बोल सकता है। Cheers. भाई नया मॉनिटर भी आ गया, लेकिन अभी तक ये छिपकली यहाँ से नहीं हटी है। बाय।
अबे यार मेरे को ही हटाना पड़ेगा।